ओके तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है. मैं बस एक बार कंफर्म करना चाहूंगी कि क्या मैं फ्रॉम द बिगिनिंग बताऊं या फिर कंटिन्यू करूं. कोई भी पार्टिसिपेंट प्लीज जल्दी से बता दीजिए. ओके मैं ठीक है. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. जेनरेटिव एआई पे फोकस करते हैं क्योंकि जेनरेटिव एआई ही है जिसने हमारी अभी मदद करनी है ई कंटेंट डेवलपमेंट. तो जेनरेटिव एआई एआई का टाइप है जिसकी मदद से हम टेक्स्ट, वीडियो, इमेजेस, प्रेजेंटेशन ये सब क्रिएट कर सकते हैं. और कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी. तो NEP 2020 एंड NCFSE 2023 जो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें बताते हैं कि हमें क्या क्या न्यू इनोवेटिव मेथड्स हैं या किस किन बातों पे हमें ध्यान देना है एजुकेशन में एंड ताकि हम स्टूडेंट्स को और बेहतर तरीके से पढ़ा सके. उन डॉक्यूमेंट्स में ही एआई के बारे में बात करी गई है. तो NEP 2020 के क्लॉज 23.2 के अकॉर्डिंग जो एआई है वो सिर्फ ये नहीं बदलेगा कि स्टूडेंट्स क्या सीखेंगे लेकिन वो कैसे सीखेंगे उस पर भी एआई का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगा. अगर हम NCFSE 2023 की बात करते हैं तो उनके एक क्लॉज के अकॉर्डिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से बहुत सारी ऐसी पॉसिबिलिटीज बनती है जिससे कि टीचिंग लर्निंग इम्प्रूव हो सकती है, असेसमेंट इम्प्रूव हो सकती है, टीचर प्रिपरेशन में सपोर्ट करने में पार्टिसिपेट करेगा एआई, एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए भी एआई को हम यूज कर सकते हैं. इसी तरीके से NCFSE 2023 में जेनरेटिव एआई के बारे में भी लिखा गया है कि जेनरेटिव एआई कॉम्प्लीमेंट्री रोल प्ले करता है इसमें टीचिंग लर्निंग को बेहतर बनाने में. कैसे? क्योंकि हम एआई की मदद से कम समय में डिफरेंट टाइप के कंटेंट क्रिएट कर पाते हैं जैसे कि क्विजेज, लेसन प्लान, स्क्रिप्ट फॉर वीडियो, असेसमेंट क्वेश्चन एंड ऐसे बहुत सी चीज़ें हम बना सकते हैं. बहुत से कंटेंट हम बना सकते हैं जनरेटिव एआई की मदद. कैसे? वो सब हम आगे इसी सेशन में सीखेंगे. तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि कैसा टाइप कौन से कंटेंट टाइप आप क्रिएट कर सकते हो एआई के मदद. तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं. इससे ज्यादा ही आप सीखोगे सेशन. तो सबसे पहले प्रेजेंटेशन. तो क्लास में प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो आपको बनानी होती है ताकि बच्चों को आप बेहतर तरीके से पढ़ा. तो प्रेजेंटेशन में हमें इमेजेस भी चाहिए होते हैं, डिफरेंट टाइप के वीडियोज भी हम ऐड कर सकते हैं, ऑडियो भी रिक्वायर ऑन अपॉन रिक्वायरमेंट हम ऑडियो भी ऐड कर सकते हैं. तो ये सब हम एआई की मदद से खुद क्रिएट कर सकते हैं. हमें ज़रूरी नहीं है कि हमें किसी सोर्स से लेना है. हम एआई से क्रिएट करेंगे तो हमें सिर्फ सिंपली एट्रीब्यूशन में डालना है कि हमने एआई से क्रिएट किया है. तो यू कैन क्रिएट, आप क्रिएट कर सकते हो ये सब एआई की मदद. इसके साथ साथ आप डिफरेंट जो वीडियोज हैं, वीडियो के लिए स्क्रिप्ट की जरूरत होती है तभी आप वीडियो क्रिएट कर सकते हैं. तो स्क्रिप्ट भी आप जनरेट कर सकते हैं एआई की मदद से. उसी तरीके से डिफरेंट एक्टिविटीज जैसे कि आपको पता है कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को प्रमोट किया जाता है. कैसे डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज हम क्लासरूम में कराएं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट चैप्टर्स के लिए कौन सी एक्टिविटीज हमें करानी चाहिए, वो सब की इंफॉर्मेशन हम एआई की मदद से जान सकते. तो ये सब के लिए सबसे पहले हमें एक पर्टिकुलर का नाम सुना होगा या आप यूज भी करते हैं. तो मैं जानना चाहूंगी इन द चैट कि आप में से कितने लोग ChatGPT यूज करते हैं. क्या आप में से कोई भी ChatGPT यूज करते हैं या आप में से किसी ने ChatGPT का नाम सुना है? ऐसा है क्या? आपने नाम सुना है ChatGPT का? अच्छा, आवाज नहीं आ रही है. ऑडियो ब्रेक लिखा है. क्या अभी आवाज नहीं आ रही है? ओके. अब में से किसी ने भी कभी AI और कभी ChatGPT यूज करा है? हाँ जी बिल्कुल. कैसे हम प्रेजेंटेशन बनाने में AI को यूज कर सकते हैं वो मैं बताऊंगी. ओके. तो ChatGPT अगर आपने नहीं सुना तो अब आप आगे जरूर यूज करना स्टार्ट कर देंगे. तो लेट्स कंटिन्यू. तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल एक टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है जिसको ट्रेन किया गया है वास्ट डेटा से. डेटा कैसा डेटा है?
ऐसा डेटा है जिससे कि जो ये मॉडल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल है, वो जनरेट कर सके और मैनिपुलेट कर सके। मैनिपुलेट कर सके जैसे कि मतलब अगर आपने लिखा है, आपने कोई एक सेंटेंस डाला है कि ट्रांसलेट दिस सेंटेंस, इफ यू अगर आपने एक सेंटेंस इंग्लिश में लिखा है और आप लिखते हो कि इस सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट कर दो, तो वो क्या कर रहे हैं, वो मैनिपुलेट कर रहे हैं ह्यूमन लैंग्वेज और वो ट्रांसलेट करके आपको दे देंगे। ये भी मैं आपको करके दिखाऊंगी यार। तो आप डिफरेंट टाइप के कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल के दो एग्जांपल्स के बारे में मैं बात करना चाहूंगी यहाँ पे, तो वो है चैट जीपीटी एंड कोपायलट। तो दोनों से ही आप डिफरेंट टाइप का कंटेंट ऑब्टेन कर सकते हैं। कैसे, वो मैं बाद में दिखाऊंगी, बट पहले मैं आपको एग्जाम्पल दिखाना चाहूंगी कि कैसा कॉन्टेंट आप जनरेट कर सकते। तो अभी आप स्लाइड में देख सकते हो कि मैंने यहाँ तीन एग्जांपल दी। आप स्क्रिप्ट जनरेट कर सकते हो चैट जीपीटी या कोपायलट एंड कंटेंट को पर्सनलाइज भी कर सकते हो। कैसे, तो मैंने क्लिक किया, मैंने ऑलरेडी इन कंटेंट सेव किया हुआ है, सो दैट टू सेव टाइम, बट इट डिपेंड्स अपॉन। ओपन तो ये कोपायलट, ताकि आप कोपायलट यूज करके सेव कर सको, इसके लिए कोपायलट आप बिना साइन इन के भी यूज कर सकते हो, लेकिन आप सेव नहीं कर सकते डॉक्यूमेंट जो कंटेंट। तो टू सेव कंटेंट, साइन इन करेंगे अगर हम माइक्रोसॉफ्ट के ईमेल एड्रेस से, तो हमारा कंटेंट सेव हो जाएगा। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि कैसे हम डिफरेंट टाइप का कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा है जनरेट स्क्रिप्ट और एक लिंक पे मैंने क्लिक किया जो मैंने क्रिएट करा था, आपको यहाँ पे स्क्रीन दिख रही होगी। सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा राइट अ स्क्रिप्ट ऑन फंजाई। तो जब मैंने एक एलएलएम जैसे कि को पायलट, उस पर मैंने ये प्रॉम्प्ट, इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट, जो मैं लिख रही हूँ कुछ भी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए, तो जो मैंने लिखा वो क्या हुआ प्रॉम्प्ट। इसके बारे में भी हम इसके बाद बात करेंगे कि प्रॉम्प्ट क्या होता है और कैसे लिखते हैं, लेकिन यहाँ मैं पहले आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाना चाहती हूँ। तो राइट अ स्क्रिप्ट ऑन फंजाई, जब मैंने ये लिखा तो को पायलट ने मुझे ये स्क्रिप्ट लिख के दे दी। अब अगर मैं थोड़ा स्पेसिफाई करूँ, कुछ कीवर्ड्स लिखूँ कि राइट अ स्क्रिप्ट ऑन फंजाई बेस्ड ऑन एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस टेक्स्ट बुक, तो अब मैंने क्या किया, मैंने स्पेसिफाई करा है कि मुझे क्लास 10th के लिए ये स्क्रिप्ट चाहिए। तो अब उन्होंने क्लास 10th के अकॉर्डिंग स्क्रिप्ट जनरेट कर, बट मुझे इस फॉर्मेट में स्क्रिप्ट नहीं चाहिए, मुझे टेबुलर फॉर्मेट में स्क्रिप्ट चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं अपने प्रॉम्प्ट को और बदल, कैसे, इन्होंने क्लास 10th के अकॉर्डिंग तो मुझे इन्फॉर्मेशन दे दी, लेकिन अब मैंने प्रॉम्प्ट को थोड़ा और स्पेसिफाई करा कि मुझे वीडियो स्क्रिप्ट चाहिए फंजाए पे, क्लास 10th के लिए चाहिए, बेस्ड ऑन एनसीईआरटी चाहिए,
लेकिन जो स्क्रिप्ट है वो टेबुलर फॉर्मेट में होनी चाहिए, और उसके अंदर कितने फ्रेम्स होने चाहिए, 10 फ्रेम, मतलब कि 10 सीन्स चाहिए मुझे। उसके अंदर 4 कॉलम होने चाहिए, कॉलम नंबर 1 में टेक्स्ट लिखा होना चाहिए, कॉलम नंबर 2 में ऑडियो लिखा होना चाहिए, एंड कॉलम नंबर 3 में रेफरेंस इमेज होना चाहिए। तो अब आप देख सकते यहाँ पे मुझे उन्होंने टेबुलर फॉर्मेट में सेम कंटेंट प्रोवाइड कर दिया है। तो क्या हुआ, मुझे स्क्रिप्ट मिली विद इन सेकेंड, आई हैव गॉट द स्क्रिप्ट विद इन सेकेंड। अब अगर मैं बात करूं कि हम कैसे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के लिए आइडियाज जनरेट कर सकते, तो इसी तरीके से जिस तरीके से हमने एलएलएम पे जाके, जैसे कि को पायलट पे जाके हमने प्रॉम्प्ट लिखा था, हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के लिए भी प्रॉम्प्ट लिखेंगे और हमें उस अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो, 1 सेकेंड, सबसे पहले मैंने लिखा गिव 5 एक्टिविटी आइडियाज फॉर साइंस क्लास 5th चैप्टर सुपर सेल। तो मैंने सारे कीवर्ड लिख दिए हैं कि मुझे 5 एक्टिविटी आइडियाज चाहिए, किसके लिए, साइंस के लिए, कौन सी क्लास के लिए, 5th क्लास के, और कौन से चैप्टर के लिए, सुपर सेल। तो ये सब स्पेसिफाई करने पे मुझे को पायलट ने ये आंसर दिया, तो ये 5 एक्टिविटीज बता, तो ये एक्टिविटीज अदरवाइज मैं सोच पाती या नहीं, और मैं नहीं बता सकती। और उसी तरीके से आपको भी अगर एक्टिविटीज की जरूरत है, तो आप ऑल ऑफ अ सडन एकदम से कैसे सोचेंगे कि आपको क्या एक्टिविटी करानी। तो यहाँ पे एआई ने मेरी मदद करी और एक्टिविटीज बता दी, लेकिन आप देख सकते हो कि बहुत ही ब्रीफली बताया है कि कौन सी एक्टिविटी कर सकते हैं, मुझे डिटेल चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, मैं इससे एआई से ये पूछूंगी कि मुझे डिटेल दो। तो आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने प्रॉम्प्ट में लिखा एक्सप्लेन ईच एक्टिविटी स्टेप बाय स्टेप इन डिटेल विद एग्जाम्पल। तो यहाँ लिख दिया कि आप हर एक्टिविटी को एक्सप्लेन करो। अब उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, आप देख सकते हो कि पहले कितना शॉर्ट में बताया था, लेकिन अब प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एक्टिविटी को सिलेक्ट करा, जैसे कि एनिमल सेंसेस एक्सप्लोरेशन को सिलेक्ट करा, और उसके अंदर मैंने ये शब्द पढ़ा एक्सप्लोरेशन क्लास में। निधि मैम, योर वॉइस इज ब्रेकिंग इन बिटवीन। इनर क्लास ऐसे ऐसे वो एक्सप्रेस ओके। तो क्या वो सबके लिए ब्रेक हो रही है मेरी वॉइस? इज इट सो? मैम, योर वॉइस इज ब्रेकिंग। ओके लेट्स ट्राई, लेट्स ओके। ओके तो लेट्स ट्राई कि इंटरनेट कनेक्टिविटी कंटिन्यूड रहे। अगर कहीं पे भी ब्रेक होता है आप प्लीज मुझे उसी टाइम बताएं, तो आई विल रिपीट। अगर आपने कुछ भी मिस करा है तो मैं उसे रिपीट कर दूँ, आप मुझे तभी के तभी बता दीजिएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो एक पर्सन ने लिखा है कि आपने को पायलट ट्राई किया, वो चैट जीपीटी की तरह है। बिल्कुल वही बात है, चाहे आप चैट जीपीटी यूज करो, को पायलट यूज करो, लेकिन आप कोई भी यूज कर सकते हैं, एलडम, कोई दिक्कत। ओके तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इससे आपको पता चला कि आप 5 एक्टिविटी या 10 एक्टिविटी आइडियाज या जितने एक्टिविटी आइडियाज आपको चाहिए वो सब आप ऑब्टेन कर सकते हो इसकी मदद से। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जाते हैं, पर्सनलाइज द कॉन्टेंट। तो पर्सनलाइज द कॉन्टेंट, आप इसका मतलब क्या हुआ पर्सनलाइजिंग द कॉन्टेंट? अगर कोई चीज़ आप बड़ी क्लास के बच्चे को समझा रहे हो, और वही अगर आपको छोटी क्लास के बच्चे को समझानी है या सिंपलर वे में समझानी है किसी को भी, तो आप वो कैसे कर सकते हैं, वो भी आप एआई की मदद से कर सकते हो। तो कैसे, हम इधर देखते हैं एग्जाम्पल में। तो जस्ट गिव मी अ मिनट।
यहाँ मैंने लिखा है, आप सबने क्लास 10th में पढ़ा है जीन्स, जेनेटिक्स, डीएनए, क्रोमोसोम, इन सबके बारे में आपने क्लास 10th में पढ़ा है। तो सबसे पहले मैंने जो प्रॉम्प्ट लिखा वो ये लिखा कि एक्सप्लेन अबाउट जेनेटिक्स, जीन्स, डीएनए, क्रोमोसोम्स एटसेट्रा, एंड द कॉन्टेंट शुड बी फॉर क्लास 10th लर्नर। तो मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि ये कॉन्टेंट क्लास 10th के लर्नर्स के लिए मुझे चाहिए। तो को पायलट ने मुझे क्लास 10th के लर्नर्स के लिए ये कॉन्टेंट दे दिया, सबकी डेफिनेशन बता दी। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये सवाल क्लास 5th का बच्चा नहीं कर सकता। अगर मेरे से क्लास 5th का बच्चा पूछता है कि डीएनए क्या है, क्रोमोसोम क्या है, जीन क्या है, तो मैं कैसे बताऊं? वो भी मैं एआई से पूछ सकती हूँ। तो मैंने नेक्स्ट प्रॉम्प्ट में सेम क्वेश्चन रिपीट करा, लेकिन बस एक चीज बस में लिखा कॉन्टेंट शुड बी फॉर क्लास 5 लर्नर। तो पहले क्लास 10 लर्नर लिखा था, अब क्लास 5 लर्नर। तो अब एआई मुझे उस अकॉर्डिंग सिंपल वे में कंटेंट प्रेजेंट करे। तो अगर आप देखोगे आपको डिफरेंस दिखाई देगा कि जो पहले लिखा था क्लास 10th के लिए वो एकदम डीप और डिटेल्ड और कंपैरेटिवली कॉम्प्लिकेटेड वे में बताया गया, लेकिन क्लास 5th के लिए सिंपलर वे में बताया। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिए, मैंने नहीं लिखा था लेकिन कुछ जगह पे उन्होंने एग्जाम्पल दिए। तो आप स्पेसिफाई भी कर सकते हो कि आपको मल्टीपल एग्जाम्पल्स भी चाहिए, तो वो एग्जाम्पल्स भी ऐड कर दें। तो इससे आप क्या कर रहे हो, आप कंटेंट पर्सनलाइज कर रहे हो। अगर किसी स्टूडेंट को कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है तो आप एआई की मदद से उस कंटेंट को सिंपली वे में फाइंड आउट करके आप बच्चे को एक्सप्लेन कर सकते हो। तो इस तरह से आप क्या कर रहे हो, आप कंटेंट को पर्सनलाइज कर। अब जैसे कि एक पार्टिसिपेंट ने कहा कि उन्होंने को पायलट ट्राई किया, दैट मीन्स आप ट्राई कर रहे। मैं सिर्फ आपको एकदम क्विकली बताऊंगी कि आप को पायलट पे कैसे जा सकते हो। जो मैंने बीच में जस्ट टू सेव टाइम आई स्टार्टेड, तो आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो कि एकदम बॉटम में ई ई सिंबल बना हुआ है, जो माइक्रोसॉफ्ट एज का सिंबल है। जैसे कि गूगल क्रोम एक ब्राउजर है, उसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एज भी एक और ब्राउजर है। तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एज पे क्लिक करते हैं तो आपको इस कॉर्नर पे, अगर आप राइट कॉर्नर पे देखते हैं जस्ट क्रॉस के नीचे, जहाँ क्रॉस होता है उसके नीचे एक सिंबल है, वो है को पायलट। तो आप को पायलट पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, को पायलट पे आप क्लिक करेंगे, को पायलट पे लोग तो आप देख सकते हो कि को पायलट ओपन हो गया है। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं राइट वीडियो स्क्रिप्ट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ, चलो मैं फंजाई ही लिख देती हूँ जिससे मैंने पहले लिखा था। तो आप देख सकते हो कि कितनी क्विकली, डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ द इंटरनेट डेफिनेटली, को पायलट ने आपकी स्क्रिप्ट लिखनी शुरू कर दी है। लेकिन वी हैव टू, हमें बहुत केयरफुल होने की जरूरत है। हमें बिल्कुल एआई पे 100% रिलाई नहीं करना है, हमें खुद भी स्क्रिप्ट को रीड करना होगा एंड इंश्योर करना होगा कि जो कंटेंट लिखा है वो बिल्कुल फ्लॉलेस है। अगर आप कोई और अपने पॉइंट्स ऐड करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली वो पॉइंट्स ऐड कर सकते हो, और अदरवाइज अगर सब कुछ सही लिखा है तो आप उसको एज इट इज यूज भी कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि विद इन सेकेंड एआई ने पूरी स्क्रिप्ट लिख दी, जो हमें अदरवाइज सोच के लिखने में कितना समय लगता है, और शायद ही हम इतने अच्छे से सोच सकें और लिख पाए। और कंटेंट के साथ साथ को पायलट में लिंक्स भी आते हैं कि कौन से लिंक से इन्होंने इंफॉर्मेशन गैदर करी और यहाँ पे स्क्रिप्ट बना के जनरेट करके। तो हमें इन्होंने और ब्राउजर्स की तरह लिंक्स नहीं दे दी, उन्होंने उन लिंक्स में से इंफॉर्मेशन गैदर करी और एक प्रॉपर आंसर जनरेट करके दी। तो इस तरीके से आप को पायलट को यूज कर सकते हो, और इस तरीके से आप कोई भी और एलएलएम यूज कर सकते हो। अब हम वापस अपनी प्रेजेंटेशन में चलते हैं। तो आपने एलएलएम के बारे में पढ़ लिया, कैसा टाइप का कंटेंट आप ऑब्टेन कर सकते हो एज टेक्स्ट, वो भी पढ़ लिया। अब हम आगे चलते हैं। अभी आप देख सकते हो कि एलएलएम पे अगर आप प्रॉपर रिस्पॉन्स चाहते हो, अप्रोप्रिएट रेलिवेंट आउटपुट चाहिए, तो आपका प्रॉम्प्ट, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि मैंने अगर लिखा है राइट स्क्रिप्ट ऑन पंचायत, तो वो क्या है, प्रॉम्प्ट है। तो किस तरीके से आप प्रॉम्प्ट बेहतर लिख सकते हो उसके बारे में हम बात करेंगे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की मदद से हम प्रॉम्प्ट बना पाते हैं, प्रॉम्प्ट लिख पाते हैं, जो एआई मॉडल्स को, पर्टिकुलरली एलएलएम्स को गाइड करता है ताकि वो डिजायर्ड रिस्पॉन्स को जनरेट कर सके। जितना इफेक्टिव हमारा प्रॉम्प्ट होगा, उतना ही इफेक्टिव, उतना ही क्वालिटी एंड उतना ही रेलिवेंट
हमें आउटपुट मिलेगा। जैसे कि आपने देखा अभी जो मैंने आपको एग्जांपल्स बताए थे कि जब मैंने सिर्फ सिंपली ये लिखा कि राइट अ स्ट्रक्चर ऑन फंजाई, तो उन्होंने एक बेसिक स्क्रिप्ट लिख दी थी, लेकिन जब मैंने फॉर क्लास 10 स्पेसिफाई कर दिया तो उन्होंने मॉडिफाई कर दिया क्लास 10 के बच्चों के अकॉर्डिंग। अगर मैंने प्रॉम्प्ट में ये लिख दिया कि मुझे वो टेबुलर फॉर्मेट में चाहिए, कौन से कॉलम में क्या चाहिए, तो उन्होंने उस अकॉर्डिंग मुझे आउटपुट दे दिया। तो जितना इफेक्टिव मेरा प्रॉम्प्ट था उतना ही इफेक्टिव मुझे, उतना ही रेलेवेंट मुझे रिस्पॉन्स मिला। तो उसके लिए मैं आपसे कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करूंगी प्रॉम्प्ट के, और फिर जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही बेहतर आपके प्रॉम्प्ट होते जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ सिनेरियोस मैंने रखे हैं एंड मैंने कुछ एग्जाम्पल प्रॉम्प्ट सेव करके रखे हैं। तो आई विल ओपन साइड बाय साइड, जब तक वो ओपन होते हैं हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि क्रिएटिव राइटिंग, आप में से कोई इंग्लिश का टीचर हो, हिंदी के टीचर हो, आपको कुछ भी क्रिएटिव राइटिंग में लिखवाना है, तो जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, राइट अ शॉर्ट स्टोरी अबाउट अ यंग वुमन हु डिस्कवर्स अ मैजिकल पोर्टल इन हर एटिक। तो इसमें क्या है, हमने स्पेसिफाई कर दिया कि किसके बारे में स्टोरी है, वो क्या डिस्कवर कर रही है। तो जो हमारी इमेजिनेशन में है कि हमें ऐसी टाइप की स्टोरी, तो हमने वो यहाँ पे प्रॉम्प्ट में लिख दी। तो जितना स्पेसिफिक हमारा प्रॉम्प्ट होगा उतना ही अप्रोप्रिएट हमें रिस्पॉन्स मिलेगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी, तो यहाँ पे मैंने यही प्रॉम्प्ट लिखा, आप देख सकते हो, और को पायलट ने मुझे विद इन सेकेंड्स एक पूरी स्टोरी बना के। और अगर आप इस प्रॉम्प्ट को दोबारा लिखोगे तो वो अलग टाइप की स्टोरी बना देंगे, थोड़ा मॉडिफाई कर देंगे इसी प्रॉम्प्ट के बाद। जो आप समराइज भी कर सकते हो, जैसे कि अगर आप कुछ किसी पर्टिकुलर टॉपिक को एक्सप्लेन करना चाहते हो, उस पर आपने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ने हैं, लेकिन आपने 20 आर्टिकल्स शॉर्टलिस्ट करें, बट आपके पास इतना समय नहीं है कि आप पूरे पूरा आर्टिकल पढ़ो और उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट शॉर्टलिस्ट करो, तो इसमें भी आप AI की मदद ले सकते हो। जैसे कि आप वो आर्टिकल को अपलोड कर दो AI पर, और फिर साथ में आप देखो समराइज द मेन पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग न्यूज आर्टिकल्स ऑन क्लाइमेट चेंज। तो आपने कह दिया कि इस न्यूज आर्टिकल में से मेन पॉइंट को समराइज कर दो, और आपने उस आर्टिकल को डाउनलोड करके इधर को पायलट पे अपलोड कर दिया। तो क्या होगा, आपको वो मेन पॉइंट दे देंगे। तो क्या हुआ, आपका टाइम सेव हो गया, आपको 20 कंप्लीट आर्टिकल्स नहीं पढ़ने पड़े, आपको सिर्फ उनके मेन पॉइंट रीड करने होंगे जो AI ने दिया है, और उसके बाद आप उसमें से कॉन्टेंट यूज करके अपना प्रेजेंटेशन रेडी कर सकते हैं। उसके बाद ट्रांसलेशन, तो अगर आपने ट्रांसलेट करना तो आप क्या लिखो, यहाँ जो एग्जाम्पल प्रॉम्प्ट है, मतलब कि आप एज इट इज भी लिखोगे आपको वैसा रिस्पॉन्स मिलेगा। जैसे कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग टेक्स्ट फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, तो अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ, तो यहाँ पे मैंने लिखा है ट्रांसलेट करिए, तो इन्होंने ट्रांसलेट कर दिया, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर द लेजी डॉग, इसका हिंदी में लिखा तेज भूरी लोमड़ी आलसी कुत्ते के ऊपर कूद। तो ये तो हिंदी में ट्रांसलेशन है, आप किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करा सकते। उसी तरीके से आप डायलॉग, आप बता सकते हो, आप एक कन्वर्सेशन बिगिन कर सकते हो कि आप ये, आप एक प्रोफेसर हो और आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट का जवाब है, तो आप इस तरीके से कन्वर्सेशन भी बिगिन कर सकते हो या सिमुलेट करा सकते हो। जैसे हम टीचर्स हैं, हमें बहुत बार एकदम शॉर्ट नोटिस पे बोला जाता है कि हमें क्वेश्चन पेपर बना के देना है, हमें MCQs देने हैं, तो हम इतने शॉर्ट नोटिस पे कैसे बना सकते हैं, तो हम AI की मदद ले सकते हैं। जैसे कि हमें लिखा राइट 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद करेक्ट आंसर बेस्ड ऑन द टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी फॉर NCERT क्लास 10। तो मैंने यहाँ क्या किया, हर की वर्ड को यहाँ पे हर की वर्ड को मैंने मेंशन कर दिया है। जैसे कि मुझे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चाहिए करेक्ट आंसर के साथ चाहिए, कितने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 10, किस टॉपिक पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, कौन सी क्लास के लिए, क्लास 10th के लिए, ऑन द बेसिस ऑफ NCERT। तो मैंने सिर्फ सिंपली राइट 10 मल्टीपल क्वेश्चन नहीं लिखा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो हर इंपॉर्टेंट कीवर्ड को ऐड करा है प्रॉम्प्ट, सो दैट मुझे अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स मिल सके। तो मैं आपको क्विकली बताती हूँ, तो जैसे मैंने ये प्रॉम्प्ट,
यहाँ पे लिखा था। तो यहाँ पे 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ गए। आप क्या कर सकते हैं, आपको क्रॉस चेक तो करना जरूरी है। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि एआई पे आप 100% रिलाई नहीं कर सकते, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो करेक्ट ही देते हैं इन्फॉर्मेशन, बट यू आपको चेक करने की जरूरत है सो दैट आप श्योर हो कि हाँ करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी। तो आप देख सकते हो कि क्वेश्चन दिया है और आंसर भी दिया, सारी इन्फॉर्मेशन दी। तो इस तरीके से आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी जनरेट कर सकते हैं। अब हम क्विकली जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब है कि आपको अगर आप डिजायर्ड लेंथ को स्पेसिफाई कर दोगे या फॉर्मेट को स्पेसिफाई कर दोगे, जैसे मैंने लिखा था कि मुझे टेबुलर फॉर्मेट चाहिए तो उन्होंने मुझे टेबुलर फॉर्मेट में दिया, वैसे ही अगर आप स्पेसिफाई कर दोगे कि मुझे 500 वर्ड का एसे चाहिए तो वो उतना ही देंगे, अगर आपको 100 वर्ड का शॉर्ट नोट चाहिए तो वो 100 वर्ड का शॉर्ट नोट देंगे। उसके बाद आपको टारगेट ऑडियंस स्पेसिफाई करना जरूरी, जैसे कि एक अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया था कि क्लास 10th के लर्नर्स, अगर क्लास 5th के लर्नर के लिए चाहिए तो आप कंटेंट मुझे शो करो। तो मैंने क्या किया, मैंने टारगेट ऑडियंस को स्पेसिफाई कर दिया, तो वो स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है। उसके बाद अगर हम रेलेवेंट फैक्ट्स एंड डेटा ऐड करते हैं हमारे प्रॉम्प्ट में तो उस अकॉर्डिंग हमें रिस्पॉन्स मिलता है। हमारी जो लैंग्वेज है वो प्रिसाइज होनी चाहिए। 4th कॉलम में आप देखिए, 4th रो में सॉरी, कि हमारी जो लैंग्वेज है वो प्रिसाइज होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं ये लिखूंगी राइट समथिंग अबाउट क्लाइमेट चेंज, तो बहुत ही जनरल है, मुझे स्पेसिफाई करना होगा कि क्लाइमेट चेंज में मुझे कॉज के बारे में जानना है, मुझे इफेक्ट के बारे में जानना है, या मुझे सब कुछ जानना है, मुझे एग्जैक्टली क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, कितना डिटेल में चाहिए, तो वो सब मुझे स्पेसिफाई करना होगा। जैसे कि नीचे यहाँ पे स्पेसिफाइड है, राइट टू परसुएसिव एसे आर्ग्यूइंग फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रिक्टर कार्बन एमिशन रेगुलेशन, तो आपको स्पेसिफाई करना होगा कि आपको क्लाइमेट चेंज में अगर जानना है तो क्या जानना है। तो अब तक आपको समझ आ गया होगा कि प्रॉम्प्ट लिखना है तो आपको हर इम्पॉर्टेंट जो वर्ड है, की वर्ड है, वो ऐड करना होगा अपने प्रॉम्प्ट में, तभी आपको अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स मिलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, बहुत जल्दी से करते हैं कवर अप एआई टूल्स। कौन से एआई टूल्स हैं जो हम ई कंटेंट डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ 2 इमेजेस जनरेट करके पेस्ट करी, ये एआई से ही जनरेटेड है। मैं आपको यहाँ पे 3 लिंक्स है, adobe.com, mage.space, creon.com, ये तीनों से आप जनरेट कर सकते हैं। तो मैं इनको ओपन करूंगी। मैं 2 ओपन कर लेती हूँ जो भी जल्दी वर्क करे, बिकॉज वी डोंट हैव सफिशिएंट टाइम। तो जैसे मैंने एक प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिखा था, आई जस्ट टेक, मैं यहीं से प्रॉम्प्ट ले लेती हूँ। आप कोई भी प्रॉम्प्ट, अब तो आपको आ गया प्रॉम्प्ट कैसे लिखते हैं, अभी क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है तो आप बाद में ट्राई करिएगा, अभी हम जल्दी से सीख लेते हैं ये कैसे करते हैं। तो यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ पे एक स्पेस दी हुई है जिसके अकॉर्डिंग जिधर मुझे अपना प्रॉम्प्ट लिखना है। यहाँ मैंने प्रॉम्प्ट लिखा, जेनरेट पे क्लिक कर, तो आप देख सकते हो कि वो जेनरेशन स्टार्ट हो चुकी है। उसके साथ साथ आप दूसरे जो एआई टूल है उसको भी ओपन कर सकते हो। यहाँ पे तो यहाँ पे जनरेटिव एआई लिखा है, आप उस पर भी क्लिक कर सकते हो, वरना आप जनरेटिव एआई पे क्लिक करिए। तो यहाँ पे क्या आ गया, टेक्स्ट टू इमेज। तो टेक्स्ट टू इमेज में आपने अपना प्रॉम्प्ट लिखा और जनरेट पे क्लिक कर दिया, तो अब जनरेशन स्टार्ट हो गया इमेज का, तो यहाँ पे जनरेट हो गई। अब इसमें मेरे को ये इमेज पसंद नहीं आई, तो क्या कर सकते हैं, हम दोबारा जनरेट पे क्लिक कर लेंगे। जरूरी नहीं है कि जैसे इमेज हम चाहते हैं वैसे इमेज हमें एक ही बार में मिल जाए। अब ये हमें मिली इमेज, ये डांस कर रहा है, जैसे यहाँ पे भी मैंने इमेज पेस्ट करी थी जैसे कि स्केलेटन डांस। तो इस तरीके से आपने क्या किया, आपने सिर्फ टेक्स्ट लिखा था, आपने इमेज जनरेट कर ली, आप फिर इसको डाउनलोड कर सकते हो। आप राइट क्लिक करिए सेव इमेज एज करके, आप ये इमेज को अपने सिस्टम पे सेव कर सकते हैं, जहाँ पे भी आप सेव करना चाहते हैं डाउनलोड कर। उसी तरीके से यहाँ ओके, आपको ये सारे जो टूल्स हैं इसमें आपको साइन अप करना होगा, मैंने भी साइन अप किया हुआ है। तो
तो अभी मैं साइन इन कर रही हूँ, जरूरी नहीं है कि मैं फोन नंबर ऐड करूँ। हाँ तो जितने भी टूल्स हैं, मोस्ट ऑफ द टूल्स में आपको साइन अप करना होगा अपने एक वैलिड ईमेल एड्रेस से। तो आप देख सकते हो, हम जब तो अभी जनरेट कर रहे हैं इमेज को, तो एआई को थोड़ा सा कुछ सेकंड और मिनट्स की रिक्वायरमेंट है। तो जब तक ये जनरेट कर रहे हैं, तो आपको बेसिक तो समझ आ गया कि टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन में क्या करना है। हमने एक अप्रोप्रिएट प्रॉम्प्ट लिखना है जो हम चाहते हैं, जैसे कि यहाँ मैंने लिखा ड्रॉ एन इमेज, जस्ट अ सेकंड, ड्रॉ एन इमेज ऑफ अ क्लास विथ स्टूडेंट्स ऑफ इंडियन ओरिजिन सिटिंग ऑन बेंचेस। तो आप देख सकते हो कि जो बच्चे हैं वो इंडियन ओरिजिन के दिख रहे हैं, बेंचेस पे बैठे हैं, कैप्ट वन आफ्टर अनदर। तो बेंचेस एक के पीछे एक होने चाहिए, रो में होने चाहिए, तो उन्होंने रो में दिखाए हैं। जो टीचर है वो स्मार्ट बोर्ड के पास खड़े हैं। तो उस जो मैंने प्रॉम्प्ट में सारी डिटेल लिखी थी, उसके अकॉर्डिंग मुझे ये इमेज इन एआई टूल्स ने बना के दी। तो आप वो ये स्पेसिफाई करना है ताकि वो उस अकॉर्डिंग आपको इमेज क्रिएट करे। तो आप यहाँ देख सकते हो कि हमें चार रिजल्ट दिए हैं इस एआई टूल। आप क्लिक करोगे तो वो यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, डांस कर, तो थोड़ा सा अपडेट नहीं है। आप दूसरा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको जो इन चारों में से बेटर लगे आप उसको सेलेक्ट करो। और यहाँ टॉप पर आप देख सकते हैं डाउनलोड, तो आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे, इमेज डाउनलोड हो जाएगी एंड आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप टेक्स्ट टू इमेज क्रिएशन कर सकते हैं। उसके बाद हम जाते हैं टेक्स्ट टू ऑडियो जनरेशन। तो टेक्स्ट टू ऑडियो जनरेशन के लिए मैंने यहाँ पे दो ए आई टूल्स रखे, www.uberdub.ai और www.desivocal.com। आप इन दोनों को ट्राई कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द एआई टूल्स कम्प्लीटली फ्री नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ एआई टूल्स को ट्राई करोगे तो आप मल्टीपल एआई टूल्स को अपने आप ही यूज कर पाओगे। तो चाहे वो फ्री नहीं है, और अगर आप स्पेंड नहीं करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप सेम पर्पज के लिए डिफरेंट टूल्स को यूज कर, तो आपका पर्पज सॉल्व होगा। तो अगर मैं uberdub.com पे जाती हूँ, यहाँ पे मैंने और ये टेक्स्ट लिया था, दिस इज टेक्स्ट टू ऑडियो, मतलब कि मैंने ये टेक्स्ट इस वेबसाइट पे ऐड किया और मुझे जो आउटपुट मिला तो मैं आपको सुनाती हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सुनाई दे रहा था जो अभी स्टार्ट किया था मैंने, आप प्लीज बताइएगा कि क्या आपको ये सुनाई दे रहा है या नहीं। ये हाँ एआई सुनाई टेक्नोलॉजी दे रहा है, दैट इनेबल्स कंप्यूटर्स एंड हाँ जी बताइए। हाँ जो अभी मैंने प्ले करा था, क्या वो सुनाई दे रहा है आप सबको? थोड़ा भी ऑडियंस पार्टिसिपेंट्स में से बता सकते हैं? यस, ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके मशीन्स टू सिम्युलेट ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज. तो जो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करा था वो मुझे ऑडियो के फॉर्म में मिल गया। तो ऊबर डब पे हम जाएंगे, तो हमें साइन इन करना होगा। हम साइन इन करेंगे, तो जैसे ही साइन इन किया आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इस कॉर्नर पे आ रहा है कि टोटल क्रेडिट जो फ्री में हमारे लिए अवेलेबल है वो है 300 क्रेडिट, और उसमें से मैं 139 यूज कर चुकी हूँ प्रेजेंटेशन क्रिएशन।
तो आप यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करेंगे, जो भी आप ऐड करना चाहते हैं आप वो टेक्स्ट ऐड करें, एंड देन के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जनरेट स्पीच लिखा है, आप जनरेट स्पीच पे क्लिक करेंगे और आपके लिए स्पीच रेडी। आप उससे पहले यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको मेल वॉइस चाहिए, फीमेल वॉइस चाहिए, कौन सी टाइप की वॉइस चाहिए, कौन सा लैंग्वेज में चाहिए, इंग्लिश कोई और लैंग्वेज में चाहिए, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आप जनरेट स्पीच पे करेंगे तो आपको टेक्स्ट पे ऑडियो मिल जाएगा। सेम ही वे में आप दूसरा जो मैंने यहाँ पे ऐड करा है desivocal.com, उसको भी आप इसी तरीके से यूज कर सकते हैं। आपको साइन अप करना होगा या फिर देसी वोकल पे आपको कुछ पिन दिया जाता है, उससे आप साइन इन कर सकते हैं। क्योंकि टाइम के लिमिटेशन है इसलिए मैं दो में से एक ही AI टूल शो कर रही हूँ, लेकिन आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से हम AI टूल्स को यूज कर सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट टू वीडियो जनरेशन, कि आप वीडियो को कैसे जनरेट कर सकते हैं टेक्स्ट की मदद। तो यहाँ पे मैंने दो AI टूल्स मेंशन करे हैं, app.agent.com एंड app.thief.ai। तो आप अगर मैं एजेंट पे क्लिक करती हूँ दोनों, जब तक कि वो ओपन होता है मैं आपको डेमो वीडियो दिखाती हूँ कि इन दो AI टूल से मैंने कैसे टाइप की वीडियोस को जनरेट कर। तब तक हम साइन इन कर लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हमें सारे जो AI टूल्स हैं उसमें साइन इन करने की जरूरत है। मैंने लॉग इन कर लिया। जब तक साइन तब तक मैं steve.ai पे ध्यान। तो steve.ai पे आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो टेक्स्ट टू एनिमेशन, ठीक है, टेक्स्ट टू एनिमेशन ये सबको दिख रहा है, टेक्स्ट टू एनिमेशन। आप स्टार्ट पे क्लिक करें, ओके। तो हमारे पास एक ऑप्शन देता है steve.ai कि हम यहाँ पे AI की मदद से जनरेट कर सकते हैं स्क्रिप्ट, लेकिन उसके लिए हमें अपग्रेड करना पड़ेगा, मतलब हमें परचेज करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम परचेज नहीं करना चाहते और जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपने अभी देखा कि हम स्क्रिप्ट तो कोपायलट से भी जनरेट कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे स्पेशली परचेज से स्क्रिप्ट क्रिएट करने के लिए क्यों करें। तो इसलिए हम यहाँ पे अपग्रेड टू जनरेट की जगह हाँ जी, तो मैं अपग्रेड नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट अपनी खुद लिख दू कैसे। तो जैसे अभी हमने यहाँ पे स्क्रिप्ट जनरेट करी थी फ्री में, तो बस यहाँ से हमें 3 मन लेना, कॉपी करना, मैं आप सबके सवालों के जवाब दूंगी, लेकिन पहले मैं यहाँ पे कवर अप करना चाहती हूँ। मैं देख सकती हूँ कि एक पार्टिसिपेंट ने हैंड रेज करा, लेकिन मैं डेफिनेटली आपके आंसर लूंगी सारे सवालों के, लेकिन उससे पहले मैं बहुत जल्दी से आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं स्क्रिप्ट ले रही हूँ कोपायलट से एंड पेस्ट कर रही हूँ steve.ai, जहां मैं वीडियो बनाना चाहती हूँ। तो मैंने कुछ पॉइंट्स ले लिए,
अभी मैं सारे पॉइंट्स नहीं ले रही, मैं सिर्फ आपको क्रिएट करके दिखाना चाहती हूँ, इसलिए मैं कुछ पॉइंट्स ले रही हूँ। आपको ये सारे जो स्टेप्स हैं वो कॉपी करने हैं, इधर वो अपने आप ही डिवाइड कर रहे हैं। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि आपको टॉपिक एंटर करना है, तो आप टॉपिक एंटर कर दो, जो भी आपको टॉपिक, आपका जो भी टॉपिक है आप वो यहाँ पे मेंशन कर दो। आपको म्यूजिक ऐड करना है तो उसको सिलेक्ट कर लो, और अगर वॉइस ओवर चाहिए वो सिलेक्ट करके उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ बेसिक बैकग्राउंड में सिलेक्ट करने के लिए आपको दिए हुए हैं टेम्पलेट्स, तो आप कोई भी टेम्पलेट को चूज कर सकते हो जो आपको लगता है कि आपके स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट होगा। बाकी ये AI उसको मॉडिफाई कर देते हैं आपके स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग। तो आप देख सकते हो कि आपकी वीडियो रेडी हो गई 40 सेकेंड्स, जो मैंने स्क्रिप्ट यहाँ पे पेस्ट करी थी उस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग। तो क्योंकि मैंने यहाँ वॉइस ओवर सेलेक्ट नहीं करा था इसलिए वॉइस ओवर नहीं आया, लेकिन जब मैंने पहले क्रिएट करे थे उसमें वॉइस ओवर। तो अगर आप वॉइस सेलेक्ट करते हो तो आपके लिए वॉइस ओवर भी आएगा, अगर आप वॉइस ओवर सेलेक्ट नहीं करते हो तो जैसे अभी कंटेंट आया उसी तरीके से आएगा विद म्यूजिक। अगर आप चाहो तो आप इसको एडिट कर सकते हो, आप देख सकते हो मैंने इस पे क्लिक करा टेक्स्ट पर और यहाँ एडिट टेक्स्ट का ऑप्शन आ गया, चेंज कलर का ऑप्शन आ गया, और किस तरीके से ये दिखना चाहिए, ये सेंटर में दिख रहा है, कौन से ग्रिड में दिखना चाहिए, वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो आप टेक्स्ट मॉडिफाई कर सकते हो, उसका कलर भी, उसी तरीके से आप इमेज को भी चेंज कर सकते हो। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप देख सकते हो, जैसे ही मैंने इमेज पे क्लिक करा तो यहाँ लेफ्ट में मेरे पास ऑप्शन आए चेंज एक्शन। तो अगर मैं एक्शन बदलना चाहती हूँ तो मुझे डिफरेंट ऑप्शंस दिखाएंगे, डिफरेंट टाइप के एक्शन दिखा रहे हैं। आप इसमें से अगर आपको कोई और एक्शन अप्रोप्रिएट लगता है तो वो आप एक्शन ऐड कर सकते हो, अगर नहीं करना तो आप उसको एज इट इज रहने दे सकते हो जैसे। ओके ये पैच चला गया जिसकी वजह से वापस से सारे स्टेप्स हो गए। तो अभी हमने क्या देखा, हमने सिंपली टेक्स्ट लिखा था, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, वो प्रॉम्प्ट लिख के हमें स्क्रिप्ट भी मिल गई, उस स्क्रिप्ट को इधर इस AI टूल में पेस्ट करके हमें पूरी वीडियो मिल गई। और कितना समय लगा, कुछ सेकंड्स आपके सामने है। मैंने इमेज पे क्लिक करा, हम चेंज एक्शन भी कर सकते हैं, करेक्टर को भी बदल सकते हैं, हमें जो करेक्टर लेना है आउट ऑफ द अवेलेबल ऑप्शन उनमें से आप करेक्टर सिलेक्ट कर सकते हो, एंड देन जो फ्री है, जैसे यहाँ अपग्रेड लिखा हुआ है इस पे चूज लिखा है, तो हम ये फ्री अवेलेबल है तो हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम इसको बाय कर रहे हैं देन हम बाकी भी यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से जो हेजन है, हेजन में भी आप वीडियो क्रिएट कर सकते हो, इनफैक्ट स्क्रिप्ट भी लिख सकते हो। तो hagen.com, यहाँ पे जैसे मैंने, आपने देखा कि मेरी प्रेजेंटेशन में मैंने दो AI टूल्स मेंशन करे थे, app.hagen.com एंड app.steve.ai। तो हम app.steve.ai पे कैसे वीडियो क्रिएट करते हैं वो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। अब तो हम बात करते हैं कि हम हेजन पे कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो क्रिएट करी भी थी, तो मैं आपको क्विकली शो कर देती हूँ। वो स्टार्ट होते हैं, Hello and welcome to today's video. Today, we are going to dive into the fascinating world of fungi and explore their unique structure. Fungi are incredibly diverse organisms that can be found in various habitats all around the world.
So let's get started and learn about the structure of these amazing organisms. First, let's talk about the body of a fungus. Unlike plants, fungi do. ओके तो अब आप ये वीडियो इस तरह से आप वीडियो कैसे क्रिएट कर सकते हो हेजन की मदद से एंड विद इन फ्यू मिनट्स वो सीखेंगे हम जल्दी से। आप यहाँ देख सकते हो एक कॉर्नर में क्रिएट वीडियो लिखा है, तो क्रिएट वीडियो पे आपने क्लिक करा तो यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच और जनरेट स्क्रिप्ट भी दिया है, तो आप एआई से स्क्रिप्ट भी जनरेट कर सकते हो या फिर फ्रॉम स्क्रैच भी कर सकते हो। अगर हम स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच चूज करते हैं तो वहां पे हमें स्क्रिप्ट को खुद पेस्ट करना होगा, जैसे अभी हमने स्टीव डॉट एआई में पेस्ट करा था। लेकिन अगर हम जनरेट स्क्रिप्ट करते हैं तो यहाँ पे हम फ्री में जनरेट कर सकते हैं, अनलाइक स्टीव डॉट एआई। तो इधर मुझे अपना टॉपिक लिखना होगा, जैसे कि मैंने लिखा राइट अ वीडियो स्क्रिप्ट ऑन एंजियोस्पर्म, तो मैंने ये लिखा। और इंग्लिश में मुझे चाहिए टारगेट लैंग्वेज जनरेट स्क्रिप्ट। तो आप देख सकते हो कि बहुत ही जल्दी ये स्क्रिप्ट जनरेट हो गई। अब यहाँ मैं स्पेसिफाई कर सकती हूँ कि क्लास 10th के लिए चाहिए वगैरह वगैरह, वो आप जानते हैं ऑलरेडी। अब हमने स्क्रिप्ट हमें मिल चुकी है, अब आप यहाँ देख सकते हो क्रिएट वीडियो, आप क्रिएट वीडियो पे क्लिक करो। आपने क्रिएट वीडियो पे क्लिक करा, यहाँ पे लोड हो रही है स्क्रिप्ट। ओके तो स्क्रिप्ट लोड हो चुकी है, जैसे अभी मैंने आपको वीडियो दिखाई थी उसके अंदर एक पर्सन था उसे एवेटर बोल सकते हैं, तो आप सिलेक्ट कर सकते हो जो फ्री एवेटर है और अवतार जो भी कहेंगे हम, तो उनको आप सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। और तो यहाँ पे डिफरेंट एवेटर्स हैं जो फ्री भी हैं, आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो जिनको भी आप सिलेक्ट करना चाहो, जैसे मैंने इनको सिलेक्ट करा था, आप कोई भी कर सकते हैं, जैसे कि चलो इनको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अब हमने इनको सिलेक्ट कर लिया, अब हम चाहते हैं कि सारे जो स्क्रीन है यही आने चाहिए, तो हम आप देख सकते हो कि हाँ जी यहाँ पे एवेटर का नाम लिखा है और एवेटर के नाम के साथ 3 डॉट्स हैं, तो 3 डॉट्स पे हमने क्लिक करा तो लिखा है अप्लाई टू ऑल एवेटर्स, मैंने अप्लाई टू ऑल एवेटर्स कर दिया तो अब सब पे आने चाहिए। ओके तो हमने ऐड कर दिया है वेटर, अब हम इसको रीपोजिशन भी कर सकते हैं, तो मैं इस कॉर्नर पे रखूं या दूसरे कॉर्नर पे रखूं या सेंटर पे रखूं, इट्स अप टू यू। तो अगर आपने एक कॉर्नर पे रखा तो आपके पास बाकी रिमेनिंग स्पेस पे आप फोटोग्राफ ऐड कर सकते हो, तो आप कोई भी फोटोग्राफ को कॉपी पेस्ट करो जो रेलिवेंट है एज पर द स्क्रिप्ट, एंड मल्टीपल फोटोग्राफ्स भी आप ऐड कर सकते हो एंड आप वीडियो बना सकते हो, जैसे कि अभी मैंने आपको वीडियो दिखाई थी। तो एवेटर आप अपना खुद का एवेटर भी क्रिएट कर सकते हो, अगर आप चाहते हो कि आपको कोई और पर्सन नहीं चाहिए ऐसे बोलते हो तो आप इंस्टेंट एवेटर पे क्लिक करेंगे। इंस्टेंट एवेटर पे आपने क्लिक करा तो इंस्टेंट एवेटर पे आपने क्लिक करा तो आप देख सकते हो क्रिएट एन इंस्टेंट एवेटर। Hey guys, I'm Joshua. ओके So we only need 2 minutes of talking videos of you. I'm so excited that you're going to create your first motion avatar. ओके तो इस तरीके से आप ये सारे स्टेप्स करके आप एक इंस्टेंट एवेटर अपना खुद का क्रिएट कर सकते हो, जिसमें आपको कोई और पर्सन नहीं, आप अपना एवेटर क्रिएट करके यहाँ पे यूज कर सकते हो एंड उस टाइप की वीडियो जनरेट कर सकते हो जैसी वीडियो मैंने जनरेट करी। यहाँ पे जो हम इस कॉर्नर पे आप देख सकते हो एट वन कॉर्नर यहाँ पे एवेटर लिखा है, स्क्रिप्ट लिखा है, तो आपकी जो स्क्रिप्ट है उसके सारे स्क्रीन्स यहाँ पे लिस्टेड है, जो स्क्रिप्ट अभी हमने हेजन की मदद से ही जनरेट करी थी वो पूरी स्क्रिप्ट यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गई। अब अगर आप चाहते हो कि आपको ये पर्सन आपको सिलेक्ट करना है कि कैसी वॉइस चाहिए आपको, किसकी वॉइस चाहिए,
तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो हमने क्लिक करा तो हमें यहाँ पे ऑप्शंस दिख रहे हैं, और हम टोन भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि हम कैसी टोन चाहते हैं, फ्रेंडली टोन, सीरियस टोन, कि जो आपका एवेटर है वो सीरियसली बोल रहे हैं या एक्साइटेड वे में बोल रहे हैं, किस तरह से बोल रहे हैं, वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो आप टोन भी बदल सकते हो, आप वॉइस ओवर भी बदल सकते हो, जो फ्री अवेलेबल है, कुछ फ्री अवेलेबल है, कुछ पेड है। तो अगर आप पेड वर्जन नहीं लेना चाहते तो फ्री भी बहुत सारे ऑप्शन है, आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो अपनी प्रेजेंटेशन पे यूज कर सकते। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जब मैंने यहाँ थ्री डॉट्स पे क्लिक करा तो मैं स्पीड भी बदल सकती हूँ, 1x है, मैं उसको बढ़ा भी सकती हूँ, उसे स्लो डाउन भी कर सकती हूँ, मैं टोन भी बदल सकती हूँ, फ्रेंडली, सीरियस, सूदिंग, ब्रॉडकास्टर, एक्साइटेड, कैसी टोन चाहिए आपको, जैसी भी टोन चाहिए यू कैन सिलेक्ट, पिच कैसी चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, देन वो आप अप्लाई कर सकते। तो इस तरीके से आप एजन में वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है और हमें बहुत कुछ अभी भी कवर अप करना है। तो टेक्स्ट टू स्टोरी वीडियो जनरेशन, अभी हमने जनरल वीडियो जनरेशन की बात करी, अब हम बात करेंगे स्टोरी वीडियो जनरेशन की। तो LLM की मदद से आप स्टोरी क्रिएट कर सकते हो प्रॉम्प्ट डाल के, और फिर आपको एक टूल यूज करना होगा RunwayML। जब आप RunwayML ऐप RunwayML को ओपन करेंगे तो आपको इस तरीके का पेज दिखाई देगा, एंड इस कॉर्नर पे दो ऑप्शन है जो आपको अभी यूजफुल होंगे। यहाँ मैंने स्टेप्स लिखे हैं, पहला स्टेप होना चाहिए टेक्स्ट टू इमेज ऑप्शन। तो पहला स्टेप आप जो यूज करोगे टेक्स्ट टू इमेज, जिससे आप इमेज क्रिएट करोगे, एंड स्टेप टू जो मैंने यहाँ रेड से हाईलाइट किया, टेक्स्ट और इमेज टू वीडियो, उससे आप अपने अकॉर्डिंग इमेज एंड वीडियो जनरेट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ मैंने प्रॉम्प्ट लिखा था, ड्रॉ एन इमेज ऑफ अ लॉक स्मिथ, ही इज एन ओल्ड मैन विथ मुस्टैच एंड बियर्ड, और मुझे ये एक इमेज मिली विद द हेल्प ऑफ RunwayML, जो मैं ओपन करके आपको क्विकली आई विल शो यू। तो जब तक वो ओपन होता है तब तक मैं आपको दिखाती हूँ कि हम क्या कर सकते हैं। हमने ये इमेज जनरेट करी और फिर इसी इमेज की हमने एनिमेशन जनरेट करी, तो ये एनिमेशन है। तो आप देख सकते हो कि जो ये लॉकस्मिथ है वैसे लॉक दिखा रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने एक इमेज जनरेट करी, सिलेक्ट करा कि कौन सी इमेज हमें अप्रोप्रिएट लग रही है, उसको एनिमेट कर दिया। उसी तरीके से स्टोरी के सेकंड पार्ट के लिए भी मैंने प्रॉम्प्ट लिखा कि एक इलस्ट्रेशन बनाइए ओल्ड मैन का, अगेन जिसकी मुस्टैच है, बियर्ड है, ये लिखना जरूरी है वरना वो अलग सा बना देते हैं। हु फाउंड एन ओल्ड रस्टी की ऑन द फ्लोर, तो ये मैंने स्टोरी के अकॉर्डिंग प्रॉम्प्ट बनाया। तो जो स्टोरी हमें मिली थी इस स्टोरी के अकॉर्डिंग मैंने प्रॉम्प्ट बनाया ताकि मेरे को बहुत सारी क्लिपिंग्स मिल सके, और ये इमेज सेलेक्ट करके मैंने उसे एनिमेट करा। तो आप देख सकते हो कि ये इमेज स्टैटिक की जगह अब वो मूविंग हो गई। तो आप ये किससे कर सकते हो, आप ये RunwayML से कर सकते हो। तो अगेन आपको साइन इन करना होगा, साइन इन करना होगा। साइन इन करके आपको सबसे पहले टेक्स्ट टू इमेज पे जाना है, इमेज क्रिएट करनी है, और फिर आपको वीडियो क्रिएट करना। तो मैंने साइन इन करा, आप देख सकते हो यहाँ पर आप इस कॉर्नर पे देखेंगे टेक्स्ट टू इमेज, टेक्स्ट टू इमेज पे मैंने क्लिक करा तो मुझे यहाँ क्या मिला कि प्रॉम्प्ट की स्पेस है, आपका जो प्रॉम्प्ट है आप वो प्रॉम्प्ट लिखो और उसके बाद जनरेट पे क्लिक कर दो, तो आपको इमेजेस मिल जाएंगी, और उन इमेजेस में से आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सी इमेज यूज करनी है, उस इमेज को आप सेव करें और वापस
बैक टू द डैशबोर्ड। डैशबोर्ड पे कैसे जाएंगे, ये थ्री डॉट्स पे जाएंगे, गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, फिर आप यहाँ पे जैसे मैंने प्रेजेंटेशन में भी दिखाया टेक्स्ट ऑब्लिक इमेज टू वीडियो पे क्रिएट करेंगे और सॉरी क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको सिलेक्ट फ्रॉम एसेट्स करना होगा, सिलेक्ट फ्रॉम एसेट्स। तो मैंने जो जो क्रिएट करा था मेरे एसेट्स यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो जैसे कि मैं अगर ये यूज करती हूँ, मैंने ये इमेज ले ली, अब इस इमेज में मैं कैसी एनिमेशन चाहती हूँ मुझे वो भी स्पेसिफाई करना होगा। तो यहाँ मुझे लिखना होगा, हाँ जी, तो दिस मैन शुड बी ट्राइंग टू ओपन द डोर विद द की। उसके बाद यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिल रहा है कि मुझे क्लिपिंग 5 सेकंड्स का चाहिए 10 सेकंड्स का, मैंने 5 सेकंड्स सेलेक्ट कर दिया क्योंकि जितने ज्यादा सेकंड्स का मैं करूंगी उतने मेरे क्रेडिट्स यूज होते जाएंगे। ओके, सो अभी जनरेशन, तो आप लेटर ऑन ट्राई कर सकते हो, लेकिन जो मैंने पहले जनरेट करे थे वो वीडियोस एनिमेशन क्लिपिंग्स मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। तो ऐसी मल्टीपल क्लिपिंग्स आप बना के उनको वीडियो एडिटर की मदद से इन सबको आप क्लब करके एक पूरी स्टोरी वीडियो क्रिएट कर सकते। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं, इमेज टू टेक्स्ट जनरेशन। तो बहुत बार लिखने में हम समय लगाएं, उसके इन टूल्स की मदद से हम इमेज को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे, हमें बस इमेज को अपलोड करना है। तो मैंने लिंक ओपन करा टू सेव टाइम, मैं नेक्स्ट लिंक भी ओपन कर लेती हूँ। तो इमेज टू टेक्स्ट, तो ये वन ऑफ द एआई टूल है। यहाँ पे इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है ड्रैग एंड ड्रॉप फाइल्स हियर टू अपलोड, तो मुझे ड्रैग करनी होगी या ड्रॉप करनी होगी फाइल्स टू अपलोड। तो उसके लिए मुझे पहले मेरे पास फाइल होनी चाहिए अवेलेबल, तो मैं क्विकली एक फाइल को डाउनलोड कर लेती हूँ अपने सिस्टम में, उसमें मुझे 1 मिनट लगेगा। तो जैसे मैंने ये इमेज को डाउनलोड करने की कोशिश की, तो मैं इसे डाउनलोड कर रही हूँ। तो हम क्विकली यहाँ पे अपलोड कर देंगे। जेपीजी फाइल मैंने सेलेक्ट करी, यहाँ पे सिलेक्ट होगी, सबमिट पे क्लिक करा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो मैंने जो इमेज थी उसका टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। तो आप यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो या फिर आप डाउनलोड कर सकते हो, इट्स अप टू यू। तो इस तरीके से आप इमेज टू टेक्स्ट जनरेट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 2 सैम्पल्स पेस्ट करे थे ताकि मैं क्विकली आपको शो कर सकूँ। ये 2 डिफरेंट इमेजेस थी और उनके टेक्स्ट का मैंने स्क्रीनशॉट सेव करा था, बट आप देख सकते हो कि वो एडिटेबल वर्जन में अवेलेबल होगा, आप आराम से उसको यूज कर सकते हैं। तो जैसे हमने इमेज टू टेक्स्ट जनरेशन किया, वैसे हम ऑडियो टू टेक्स्ट जनरेशन भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 लिंक्स दिए हैं, उनमें से एक लिंक को मैंने ओपन करा है और आप यहाँ देख सकते हो कि आप चूज फाइल, आप चूज करेंगे एक फाइल अपलोड करेंगे, तो
आई डोंट नो किन की है, लेकिन जस्ट तो मैंने फाइल चूज कर ली एंड ट्रांसक्राइब कर रहे हैं. तो MP3 होना चाहिए. AAC अगर है, जैसे मेरे पास अभी AAC था, तो कई बार AAC फॉर्मेट होता है. आप गूगल पे या किसी भी ब्राउजर पे AAC टू MP3 कन्वर्टर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा. वो बहुत इजीली कन्वर्ट कर देता है. और MP3 के फॉर्म में आप यहाँ पे अपलोड करेंगे तो वो ऑडियो को टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा. तो जब तक ये कन्वर्ट होता है, मैं आपको ऑलरेडी कन्वर्टेड ऑडियो, ये ऑडियो था. तो ये ऑडियो प्ले कर रही हूँ मैं, और उसके साथ ये टेक्स्ट जो हमको Generative मिला. AI is artificial intelligence capable of generating text, images, videos using generative models, often in response to prompts. तो आपने अगर कंपेयर किया तो आप देख सकते हो कि जो टेक्स्ट यहाँ पे लिखा आया वो बिल्कुल ऑडियो से मैचिंग था. तो ऑडियो फॉर्म में अगर आपके पास कोई क्लास आपने अटेंड करी है, वो ऑडियो फॉर्म में आपके पास रिकॉर्डेड है, तो अगर आपको नोट्स बनाने हैं, आप हर चीज आप खुद ट्रांसक्राइब करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा. तो उसकी जगह पे आप इस टूल की मदद से बहुत ही क्विकली आपको टेक्स्ट के फॉर्म में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो कॉन्टेंट डेवलपमेंट में फर्दर. वीडियो टू टेक्स्ट जनरेशन, बहुत सारे सेशंस हम अटेंड करते हैं वो वीडियो के फॉर्म में होते हैं, और अगर हमें उनकी सारे जो हमने अटेंड कराया अगर हमें वो रिटन फॉर्म में चाहिए, तो हम वीडियो टू टेक्स्ट जनरेटर को भी यूज कर सकते हैं, जिससे कि हमें ट्रांसक्रिप्शन इसका मिल जाएगा वीडियो का. तो अगर आप कोई भी सेशन अटेंड करते हो, कोई भी लेक्चर अटेंड करते हो, तो उसका राइटअप आपको मिल जाएगा अगर आपके पास वीडियो अवेलेबल है. तो यहाँ पे जैसे कि मैंने अपनी की वीडियो अपलोड करी थी, और उसका जो राइट अप है, उसका जो इंफॉर्मेशन है, वो यहाँ पे लिखा हुआ. तो जो मैंने बोला वो सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है. तो उसके लिए आपको फिर साइन इन करना है, जैसे अभी हमने ऑडियो के लिए किया वैसे ही हम वो वीडियो अपलोड करेंगे. साइन इन करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे और वीडियो अपलोड करेंगे, एंड वो ट्रांसक्राइब कर देगा. ओनली बिकॉज सिर्फ शॉर्ट, क्योंकि कम टाइम बचा है, इसलिए मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करके नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन उसी तरीके से जिस तरीके से ऑडियो का ऑडियो टू टेक्स्ट जनरेशन हमने देखा. तो मैंने यहाँ पे दो AI टूल्स रखे हैं, एक web.descript.com एंड दूसरा wizard.ai. ये दोनों की मदद से ही आप वीडियो को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, अपने सारे लेक्चर को ट्रांसक्राइब करके आराम से पढ़ सकते हैं या आगे दे सकते हैं. अब हम आते हैं टेक्स्ट टू प्रेजेंटेशन. एक पर्सन ने पूछा भी था, तो फॉर एग्जांपल आपकी कोई प्रेजेंटेशन है जिसको आप मॉडिफाई करना चाहते हो, या आप न्यू क्रिएट करना चाहते हो, तो हम कैसे करेंगे? जैसे मेरे पास एक प्रेजेंटेशन है जो मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से क्रिएट करी थी, बट मैं उसको अपडेट करना चाहते हैं, उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम किस पे जाएंगे? हम gava.app पे जाएंगे. तो अगेन हमें साइन इन करना होगा. साइन अप फॉर फ्री पे क्लिक करेंगे. तो यहाँ हम साइन अप करेंगे. तो मुझे एक्चुअली साइन इन नहीं, लॉग इन करना था, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पे साइन अप कर चुकी हूँ पहले. आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपको साइन अप करना. तो जैसे कि मैंने कहा कि दो तरीके से हम इस AI टूल को यूज कर सकते हैं. जो आपकी ऑलरेडी आपने क्रिएट करी हुई है प्रेजेंटेशन, उसको आप एनहेंस कर सकते हो. किस तरीके से? आप इम्पोर्ट पे क्लिक करोगे. यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन मेन्यू देख सकते हो, AI इम्पोर्ट. AI इम्पोर्ट पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाएगा, अपलोड अ फाइल इम्पोर्ट फ्रॉम ड्राइव, इम्पोर्ट फ्रॉम यूआरएल. मैं अपलोड अ फाइल करूंगी
Browse files. Just a second. तो हम ड्राइव से चल रहे इंपोर्ट करने की कोशिश ओके तो अब डाउनलोड हो चुके हैं तो अब हम कर सकते हैं ट्राई। ओके अपलोड अ फाइल। तो ये बेसिक एक प्रेजेंटेशन थी जिसको मैंने अपलोड कर दिया। वो बेसिक प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से दिखती है। तो जो प्रेजेंटेशन मैंने अपलोड करी है वो ऐसे है, आप देख सकते हो बैकग्राउंड बिल्कुल सिंपल है और अभी पूरी ओपन नहीं हुई है। तो बिल्कुल बेसिक है, मैंने सिर्फ टेक्स्ट ऐड कर रहा है और एक स्लाइड में टेक्स्ट भी एडेड नहीं। अब देखते हैं कि एआई ने क्या कर। व्हाट वुड यू लाइक टू क्रिएट विद दिस कंटेंट। प्रेजेंटेशन हमने सेलेक्ट कर लिया, कंटिन्यू करा। हम कंटिन्यू करेंगे। हमें बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है, मैंने अभी ये बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया है। जनरेट पे क्लिक कर देंगे। जनरेट आप देख सकते हो पिक अ थीम के नीचे जनरेट लिखा था। तो आप देख सकते हो कि जो अभी मैंने आपको बेसिक प्रेजेंटेशन दिखाई थी अब उसमें कितना बदलाव आ गया एआई की वजह से। तो आई होप आपको आप कंपेयर कर सकते हो कि एआई जनरेटेड एंड जो हमने खुद क्रिएट करी उसमें कितना डिफरेंस है। तो इस तरीके से आप अपनी प्रेजेंटेशन को एनहांस कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आप फ्रॉम द बिगिनिंग क्रिएट करो तो आप कैसे क्रिएट करोगे। आप क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे। क्रिएट न्यू पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं क्रिएट न्यू पे जाके आप जनरेट पे क्लिक करेंगे। जनरेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है डिस्क्राइब व्हाट यू वुड लाइक टू मेक। तो यहाँ इन्होंने ऑलरेडी आपसे पूछा कि आप क्या बनाना चाहते हो। तो मैं एकदम सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिखूंगी क्रिएट अ प्रेजेंटेशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मैंने ये प्रॉम्प्ट दे दिया। यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया कि कितने कार्ड्स चाहिए मुझे, 8 कार्ड्स, 9, 10 या अगर कम चाहिए तो इस तरीके से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मुझे शॉर्ट प्रेजेंटेशन चाहिए तो मैंने 5 कार्ड सिलेक्ट कर लिया, लैंग्वेज सिलेक्ट कर लिया एंड जनरेट आउटलाइन। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ऐड करी है, मैंने बस टाइटल ऐड करा है और उससे मुझे आउटलाइन मिल गई है। अगेन बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है हमने, मैंने बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया एक। उसके बाद हम थीम पिक करने के बाद जनरेट पे क्लिक करेंगे। तो जनरेट पर क्लिक करा
अगेन आप देख सकते हो कि आपको कितना टाइम लगा, आपको बहुत ही कम टाइम लगा ये प्रेजेंटेशन जनरेट करने के लिए, लेकिन आपको एक बार क्रॉस चेक करने की बहुत जरूरत है कि क्या जो टेक्स्ट लिखा है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है या नहीं है। अगर आपको कुछ भी चेंजेस करने हैं तो आप डाउनलोड करके चेंजेस कर सकते हो, और अगर आपको लगता है कि सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट लिखी है तो आप उस इन्फॉर्मेशन को डायरेक्टली यूज कर सकते हो, आप इस प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट कर सकते हो जहाँ पे भी आपने आगे प्रेजेंट करना। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि आप किस तरीके से प्रेजेंटेशन भी क्रिएट कर सकते हैं एआई की मदद से। तो ये वन ऑफ द टूल था। उसी तरीके से एक और है presentations.ai, आप presentations.ai पे जाके देखें, बहुत ही एनिमेशन भी बहुत अच्छी है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखा और मुझे फाइनल आउटपुट मिल गया, उसी तरीके से presentations.ai पे भी आप बस प्रॉम्प्ट लिखेंगे और आपको प्रेजेंटेशन मिल जाएगी। मैं आपको क्विकली जो ऑलरेडी जनरेटेड प्रेजेंटेशन है वो दिखा देती हूँ। आप देख सकते हो मुझे हर बार साइन इन करना पड़ रहा है। तो कुछ मिनट्स ले रहा हूँ, तो हम इसको स्लाइड शो करेंगे। यहाँ पे आप टॉप पे देख सकते हो प्रेजेंट, एक प्ले का आइकन है, आप प्ले के आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देखिए कितने अच्छे तरीके से एक एनिमेशन के फॉर्म में ये प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटर का नेम आ रहा है साथ में। नेक्स्ट स्लाइड। ये सब बनाने के लिए मैंने सिर्फ एक काम किया था, प्रॉम्प्ट लिखा था। इस एआई टूल पर जाके एक प्रॉम्प्ट लिखा और वो प्रॉम्प्ट लिखने पे मुझे ये रिस्पॉन्स मिला। तो जो शुरुआत में बात करी थी कि जो एआई है, जनरेटिव एआई है, वो हमारा काम आसान एंड बेहतर तरीके से हम उसको प्रेजेंट भी कर पाएंगे, आसान भी हो जाएगा हमारा काम, हमें कम समय में ज़्यादा कॉन्टेंट मिल जाएगा। तो आज हमने मल्टीपल एग्जाम्पल्स देखे कि किस तरीके से हम एआई को यूज करके अपना काम इजी बना सकते हैं, लेकिन अगेन ये ह्यूमन इंटेलिजेंस को इमिटेट कर रहा है, तो इसलिए हमें हमारी खुद की समझ लगानी बहुत ज़रूरी है और हमें खुद क्रॉस चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो बस मैं एंड में सिर्फ क्विकली कंक्लूड करते हुए ये कहूंगी कि इस सेशन में हमने क्या क्या डिस्कस किया, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, जेन एआई क्या है, NEP 2020 एंड NCFSE 2023 क्या कहते हैं एआई एंड जेन एआई के बारे में, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स क्या है, एआई टूल से क्या कैसे हम ई कॉन्टेंट को डेवलप कर सकते हैं। तो हमने इस सेशन में 8 तरीके से ई कॉन्टेंट डेवलप करने का सीखा, कि टेक्स्ट से हम इमेज जनरेट कर सकते हैं, टेक्स्ट से ऑडियो जनरेट कर सकते हैं, टेक्स्ट से ही वीडियो भी जनरेट कर सकते हैं, स्टोरी वीडियो जनरेट कर सकते हैं, इमेज टू टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं, ऑडियो टू टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं, वीडियो से टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं, एंड टेक्स्ट से प्रेजेंटेशन जनरेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने आज के सेशन में सीखी। तो आई होप आपको इस सेशन से डेफिनेटली कुछ फ़ायदा ज़रूर मिला होगा, एंड अगर आपके कोई सवाल है तो हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, और क्योंकि टाइम मैं ऑलरेडी ज़्यादा ले चुकी हूँ तो क्विकली बात कर लेते हैं। मैम, प्रेजेंटेशन जो आप बताए बहुत ही वंडरफुल, मतलब जितना भी आप बताए बहुत ही इफेक्टिव, और मेरे ख्याल से अभी के समय में तो बहुत ही यूजफुल है हमारे लिए, क्योंकि अभी आप जो लोग के कोई बच्चे आ रहे हैं क्वेश्चंस एग्जाम हैं तो आप ऑलरेडी पूछ आ रहे लीजिए, हैं। मैम अभी हमारे साथ है। जी, मैम जो प्रेजेंटेशन वाला जो पार्ट है वो क्या केवल इंग्लिश में ही मिलेगा कि एक मिनट और मैम, अदर ये लैंग्वेज स्मृति मैम कुछ बोलना चाह रही है। हेलो, हाँ जी, इंग्लिश में हाँ जी, पहले स्मृति इंग्लिश मैम कुछ में बात कर रहे थे। कुछ हाँ
तो मैं क्विकली उनका आंसर दे देती हूँ। तो अभी तो इंग्लिश में ही अवेलेबल है, लेकिन जिस क्योंकि अब आपको आइडिया हो गया है कि हम एआई टूल्स को किस तरह से यूज कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो आप डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी ऑप्शंस एक बार खुद सर्च करके देखिए कि और लैंग्वेजेस में अवेलेबल है या नहीं। बट क्योंकि इंग्लिश इज वो कनेक्टिंग लैंग्वेज है, तो इसलिए इंग्लिश में मिलना बहुत आसान है। लेकिन अगर आपको इंग्लिश में भी मिल रहा है तो आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप ऐसी प्रेजेंटेशन जनरेट करिए और डाउनलोड करके सिर्फ टेक्स्ट को ट्रांसलेट कर लीजिए गूगल ट्रांसलेशन के हेल्प से, या अब तो आप बहुत सारे और टूल्स भी खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि आपको आज कुछ आइडिया हो गया कैसे हम एआई टूल्स ले सकते हैं। तो ट्रांसलेशन टूल की मदद से आप कॉन्टेंट को ट्रांसलेट करिए और उसी प्रेजेंटेशन में पेस्ट कर दीजिए, तो उससे आपको अपने लैंग्वेज स्पेसिफिक कॉन्टेंट प्रेजेंटेशन मिल जाएगी। हाँ जी, और किसी ने सवाल किया था जो गुलशन मैम ने बताया था, मैं मिस कर गई उनका नेम, रोजी मैम। मैम एक्चुअली क्वेश्चन इस तरह रिलेटेड नहीं है, लाइक हमारे हमें यहाँ पे बहुत सारे सेशंस में जैसे एआई के बारे में, वीआर एआर सबके बारे में बताया गया, लाइक एनसीईआरटी क्या इन चीजों के लिए कोई स्पेसिफिक सिर्फ एक टॉपिक ओरिएंटेड कोर्सेज भी कंडक्ट करवाता है? बिकॉज अभी मैम तो ये सेशंस इंट्रोडक्टरी सेशंस ही थे और लाइक 1 घंटे में इनका प्रैक्टिस भी नहीं हो सकता और ना ही हम अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, तो कई आप अपने डाउट्स ग्रुप में भी डाल सकते हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप है, तो जी उसमें भी हम आंसर कर सकते हैं। अगर बाद में अगर जी आपको कुछ क्वेरीज आती हैं प्रैक्टिस करने के दौरान तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप हमारे साथ 5 दिन तक हैं, तो आप हमारे साथ जो भी क्वेश्चन पूछेंगे हम उनका आंसर देंगे। मैम, आई हैव वन क्वेरी मैम, मे आई मैम? हाँ जी सर, मैं ये पूछना था कि जो हमने प्रेजेंटेशन क्रिएट की है, क्या वो डाउनलोड हो जाएंगे या उसे हमें केवल ऑनलाइन ही देखना होगा? हाँ जी डाउनलोड हो जाएंगी वो, और वरना आप लिंक के फॉर्म में भी सेव कर सकते हो, जैसे कि मैंने लिंक के फॉर्म में सेव करा हुआ था। तो अगर आप ऑनलाइन अवेलेबल हैं आप लिंक भी ओपन कर सकते हैं, जैसे कि एक बार वो शो करा था कि आपको परचेज करना होगा तभी आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो मैंने भी परचेज नहीं करा, मैंने उसके लिंक को सेव कर लिया। तो लिंक को सेव करके भी मेरा पर्पज तो सॉल्व हो गया, थैंक आप यू ऐसे कर सकते हैं। मैम। हेलो मैम। मैम जी, हाँ हाँ जी प्लीज वन बाय वन। जी, हेलो मैम, पवन, मुझे ये बताना था कॉपीराइट कि पीपीटी में सबसे बेस्ट टूल कौन सा है जनरेट करने के लिए? कौन कौन पूछ रहे सवाल? मैं पूछ रहा हूँ, जाकिर शेख, हाँ जी, हाँ जी सर, एमएच आप क्या कह रहे हैं? पीपीटी में कौन पीपीटी सा बेटर बनाने है? के सबसे बेटर कौन सा है, बेस्ट कम समय में और बेस्ट हो जाना, ऐसा टूल कौन अभी सा है? आपने देखा कि गामा डॉट ऐप को यूज किया और कितनी कम देर में पूरे प्रेजेंटेशन बन गए, है ना? आपने तो मैंने तो स्क्रिप्ट भी नहीं लिखा, बस मैंने प्रॉम्प्ट लिखा था। इसी तरीके से जो दूसरा था प्रेजेंटेशन डॉट ए आई, दोनों में से आप कोई भी यूज करें दोनों सबसे कम समय लेंगे और आपकी प्रेजेंटेशन रेडी हो जाएगी, बस आप अपने हिसाब से।